Hello everyone, I hope everybody is fine. So today we are going to discuss our next topic, fourth chapter जो मल्टीमीडिया है उसका next topic कि विंडो मीडिया प्लेयर को हम यूज कैसे कर सकते हैं एंड कंप्यूटर में हम गेम्स कैसे खेल सकते हैं, ये दोनों ही टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूजिंग विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर को हमें यूज में कैसे लेना है. तो जो विंडो मीडिया प्लेयर है वो हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जो सीडी प्लेयर की तरह वर्क करता है. इसका यूज जनरली सॉन्ग्स लिसन करने एंड मूवीज वॉच करने के लिए किया जाता है. तो विंडो मीडिया प्लेयर को हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं तो वो प्रोसेस हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा विंडो मीडिया प्लेयर स्टार्ट होता है. विंडो मीडिया प्लेयर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारा स्टार्ट बटन है उस पर क्लिक करना होता है. व्हेन यू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन देन यू हैव टू सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स. जैसे ही हम ऑल प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा विंडो मीडिया प्लेयर का. विंडो मीडिया प्लेयर का जो ऑप्शन है हमें ये रहा विंडो मीडिया प्लेयर, इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करके इसे सेलेक्ट करना है. जैसे ही हम इस पर माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो जो हमारा विंडो मीडिया प्लेयर है उसका विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी. यहाँ पर साइड में इसका लाइब्रेरी पोर्शन दिया हुआ है. इस लाइब्रेरी पोर्शन में से हम वो पर्टिकुलर फाइल जिसे हम प्ले करवाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे. सपोज मेरी फाइल है वीडियो फाइल, वीडियो पर जैसे ही मैंने क्लिक करा वैसे मुझे यहाँ पर एक वीडियो फाइल दिखाई दे रही है. अब हमें इस वीडियो फाइल को प्ले करवाना है तो सबसे पहले हम इस वीडियो फाइल पर माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसे सेलेक्ट करेंगे. जैसे ही हमारी ये फाइल सेलेक्ट हुई है उसके बाद में नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं. इस ऑप्शन में ये वाला जो ऑप्शन है ये है हमारा प्ले का ऑप्शन. इस पर्टिकुलर फाइल को सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो ये प्ले वाला ऑप्शन है इस पर माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके प्ले बटन को प्रेस करना है. जैसे ही हम प्ले बटन को प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी वीडियो फाइल है वो हमारी प्ले हो गई है. ये हमारी वीडियो फाइल चल रही है. यहीं पर सेम ये बटन है, इसे हम पॉज बटन बोलेंगे. जैसे ही हम इस बटन पर प्रेस करेंगे वैसे ही हमारी जो वीडियो फाइल है वो हमारी वहां पर पॉज हो जाएगी. व्हेन यू अगेन प्रेस दिस बटन तो ये हमारी फाइल अगेन प्ले हो जाएगी. एंड जैसे ही हम इसे वापस से प्रेस करेंगे तो ये हमारी फाइल जो है वो प्ले हो जाएगी. तो इस तरह से हम इसे प्ले और पॉज कर सकते हैं. साथ में हमारे पास में ऑप्शन आ रहा है इस बटन का. यहाँ पर जो प्ले का ऑप्शन है उसी के साइड में जो हमारे पास में बटन दिखाई दे रहा है इस बटन को प्रेस करके हम हमारा जो वीडियो है उसको रिवाइंड कर सकते हैं. और इसी के राइट साइड में जो बटन है उसको प्रेस करके हम हमारे जो वीडियो है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं. फॉरवर्ड प्ले हो जाएगा और इससे हमारा वीडियो बैकवर्ड प्ले हो जाएगा. साथ में हमारे पास में यहाँ साइड में ऑप्शन आ रहा है वॉल्यूम का. इस वॉल्यूम को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं. तो इस तरह से हम विंडो मीडिया प्लेयर का यूज करके कोई भी वीडियो या फिर कोई भी जो सॉन्ग है उसको प्ले कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हमारे पास में क्लोज बटन है. इस क्लोज बटन को प्रेस करके हम वो पर्टिकुलर मीडिया प्लेयर जो फाइल है सॉरी विंडो है उसे हम क्लोज कर सकते हैं. तो इस तरह से हमारा मीडिया प्लेयर रन होता है. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्यूटर में गेम्स कैसे खेलने हैं. तो कंप्यूटर पर गेम्स खेलने के लिए भी हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. तो वो स्टेप्स कौन से हैं वो देखते हैं. कंप्यूटर में हमें गेम फोल्डर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले क्लिक करना होता है स्टार्ट बटन पर. जैसे ही हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद में हमें ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है. ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर मिलेगा गेम फोल्डर. जब हम इस गेम्स के ऑप्शन पर गेम्स के फोल्डर पर माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो हमारे पास में यहाँ वेरियस गेम्स जो अवेलेबल है वो शो हो जाएंगे. इन गेम्स में से हमें जो भी गेम प्ले करना है उस गेम को हम सेलेक्ट करेंगे. सपोज मुझे गेम प्ले करना है दिस वन तो यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर गेम को सेलेक्ट करेंगे माउस के लेफ्ट क्लिक से. जैसे ही हम माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो हमारा वो पर्टिकुलर गेम जो है वो ओपन हो जाएगा. अब इस गेम को आप प्ले कर सकते हैं. इस तरह से हम कंप्यूटर में कोई भी गेम जो है वो खेल सकते हैं. एंड देन हम यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं.
ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने कंप्यूटर के अंदर विंडो मीडिया प्लेयर को किस तरह से यूज में लेना है और गेम्स किस तरह से प्ले करना है वो लर्न करना है। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।